हेलो एंड वेलकम बैक। ये हमारा फोर्थ सेशन है बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का, और इस सेशन में हम पढ़ेंगे बियर कॉल स्प्रेड। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या होता है बियर कॉल स्प्रेड, कब हमें बियर कॉल स्प्रेड को बनाना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है इस स्ट्रेटजी में, और ब्रेक इवन को कैसे निकालना है, और फाइनली पे ऑफ एनालिसिस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बियर कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी होती क्या है? ये वो स्ट्रेटजी है जिसमें हम कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, एटीएम का जो कॉल ऑप्शन है उसको हम जो है सेल करते हैं, और जो ओटीएम का कॉल ऑप्शन है उसको हम बाय करते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मार्केट का व्यू जो है वो नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मार्केट गिरेगा। इसके पहले हमने एक स्ट्रेटजी पढ़ी बियर पुट स्प्रेड, उसमें हमने एक एटीएम का जो पुट ऑप्शन है उसको बाय किया और ओटीएम का जो पुट ऑप्शन है उसको सेल किया। यहाँ पर हम एटीएम का कॉल ऑप्शन है उसको सेल कर रहे हैं और जो ओटीएम का कॉल ऑप्शन है उसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर बाय करके पैसे बनाता है और सेलर सेल करके पैसे बनाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी है बियर कॉल स्प्रेड, ये जो है एक ऑप्शन सेलर इसको यूज़ करता है। जब भी उसको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा तो वो पुट को बाय ना करके वो कॉल को है वो सेल करता है। किसको सेल करेगा? कॉल को सेल करके अपना पैसा बनाएगा। ठीक है, और उसको अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए वो क्या करेगा, एक ओटीएम का कॉल ऑप्शन बाय भी कर लेगा। ठीक है, और जो ऑप्शन बायर होता है वो क्या करेगा इस केस में, जब उसको लगेगा मार्केट गिरने वाला है, वो कौन सी स्ट्रेटजी बनाएगा? बियर पुट स्प्रेड। वो क्या करेगा, एटीएम का जो पुट ऑप्शन है उसको बाय करेगा। ठीक है, पर अपने लॉस को लिमिट करने के लिए, क्योंकि एटीएम का जब वो पुट ऑप्शन को बाय करेगा तो वहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा होती है और वो स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता, वो क्या करता है लोअर साइड की जो पुट ऑप्शन है उसको साथ में वो सेल कर देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एक ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का। अभी आपको इसमें डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं या ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं। दोनों में कंबाइंड स्ट्रेटजी लगेगी, दोनों में आपको ऑप्शन बाय भी करना है सेल भी करना है, बट स्ट्रेटजी दोनों एकदम डिफरेंट है दोनों से। यहाँ पर व्यू नेगेटिव है, लेकिन बियर कॉल स्प्रेड में हम क्या करते हैं, हम इसमें कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक ओटीएम का कॉल ऑप्शन है उसको बाय कर लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी जो है हमें लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस देती है, और इसमें हमारा प्री डिफाइंड रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। प्री डिफाइंड का मतलब होता है कि हमको इसमें पहले से पता होता है कि कितना हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, कितना हमारा मैक्सिमम इसमें लॉस होने वाला है। ओके, तो व्हेन शुड वी क्रिएट बियर कॉल स्प्रेड, ये हमने अभी देखा। बियर कॉल स्प्रेड को हम कब बनाते हैं? जब भी हमें लगता है कि मार्केट बेरिश है, मार्केट एक लेवल से अब यहाँ से नीचे गिर जाएगा, तब हम इसको बनाते हैं। बियर कॉल स्प्रेड हम तब भी बनाते हैं जब हमको लगता है कि एक सर्टेन लेवल के जो है इसके ऊपर जो है अब मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल कर देंगे, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूर का जो ओटीएम का जो कॉल ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। मैक्स प्रॉफिट लॉस एंड ब्रेक इवन, अब इस स्ट्रेटजी में हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा और ब्रेक इवन कितना होगा, इसकी अभी हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो इस स्ट्रेटजी में हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा लिमिटेड होता है किस पे, नेट प्रीमियम कॉस्ट पे। ठीक है, अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि नेट प्रीमियम कॉस्ट क्या होती है, तो नेट प्रीमियम कॉस्ट क्या होती है फिर से बताता हूँ मैं। सपोज़ करिए आप 17,500 की कॉल ऑप्शन को जो है वो सेल कर रहे हैं 100 रुपये से, और 17,600 की कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं 50 रुपये से, तो इन दोनों का नेट प्रीमियम कितना हो गया? 50। भाई 100 रुपये हमको मिले पर हमने 50 दिए भी, ये सेल करके ये बाय करके, तो जो नेट प्रीमियम है हमारा वो कितना आया? 50 रुपीज़। तो चलिए इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, 60 कर देते हैं।
ठीक है, तो समझने में आसानी होगी लॉस और प्रॉफिट में। तो 60 रुपीज़ से हमने बाई किया हुआ है और 100 रुपीज़ से हमने सेल किया हुआ, तो नेट प्रीमियम कितनी हो गई हमारी 40। तो 40 पॉइंट्स का हमें जो है इसमें मैक्सिमम जो है प्रॉफिट होगा। ओके, अब मैक्सिमम लॉस कितना होता है इस स्ट्रेटजी में, इट इज़ लिमिटेड टू द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्राइक्स माइनस द नेट प्रीमियम पेड। डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्राइक्स कितना है 100 माइनस द नेट प्रीमियम पेड, नेट प्रीमियम पेड कितना है 40, इसमें से जब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 60 पॉइंट्स। तो जो हमारा 60 पॉइंट्स है इतने का हमारा जो है मैक्सिमम जो है लॉस है इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, मैक्सिमम लॉस हो गया, अब ब्रेक इवन देखते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन की डेफिनेशन थोड़ी सी अटपटी रहती है, इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। इसमें ब्रेक इवन क्या होता है कि जिस स्ट्राइक को हमने सेल किया है लोअर स्ट्राइक को 17,500, इसमें जो हमको प्रीमियम रिसीव हुई है कितनी रिसीव हुई है 40 पॉइंट्स की ओवरऑल, उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 17,540। तो जब तक मार्केट 17,540 के नीचे रहेगा, 17,520, 17,400, 17,300, तब तक हमारी ये स्ट्रेटजी जो है प्रॉफिट में रहेगी। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रिज करेगा, इसके ऊपर निकलेगा, तो हमें इस स्ट्रेटजी में जो है लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे उसको। तो ये है हमारा एक ऑप्शन चेन, इसमें हम इस स्ट्रेटजी को अब समझेंगे। पहले इसके पहले फिर से एक बार बता दूं, ये स्ट्रेटजी कौन यूज़ करता है, जो एक ऑप्शन सेलर होता है, ठीक है। इसके पहले वाली जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी वो कौन यूज़ करता है, वो करता है ऑप्शन बायर। ओके, कॉल राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है, इसी को बोलते हैं कॉल राइटिंग हो रही है। जब लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है या गिर रहा है तो लोग क्या करते हैं, कॉल राइटिंग करते हैं। नेकेड कॉल राइटिंग करते हैं तो मार्जिन बहुत ज़्यादा लग जाता है 1.5 लाख का, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूर का एक बाय भी कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट वो घट के 20,000 हो जाता है या 25,000 तक हो जाता है, और उनका एक लॉस भी लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो सपोज करिए हमने 17,650 की कॉल ऑप्शन है इसको सेल किया, ठीक है। कितने रुपए से, इसको हम राउंड फिगर में फिर से लेंगे, इसको 60 रुपीज़ से, ठीक है। और 17,750 की जो कॉल ऑप्शन है इसको हमने क्या किया, इसको बाय किया 30 रुपए से, ठीक। क्या किया हमने, 17,650 का जो कॉल ऑप्शन है इसको सेल किया है 60 रुपए से, 17,750 का जो कॉल ऑप्शन है इसको बाई कर लिया है 30 रुपए से, ठीक है। अब इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस और ब्रेक इवन हम निकालेंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसको हमने बनाया हुआ यहाँ पर उसको देखेंगे, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, भाई मैंने क्या किया, इसको 650 को 60 रुपए से सेल किया, ठीक है। मार्केट इसके नीचे रहेगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, OTM हो जाएंगे, OTM हो जाएंगे, तो ऊपर की स्ट्राइक सब जीरो हो जाएगी। तो 60 रुपए से जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट कब होगा, जब ये 60 जीरो हो जाएगा या 60 से कम रहेगा, ठीक है। तो मैक्स प्रॉफिट मेरा कितना है, 60 रुपीज़ का होगा इसमें प्रॉफिट, पर जो मैंने बाई किया है इसमें मेरा लॉस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 30 पॉइंट का ही लॉस होगा, ठीक है। 30 से ज़्यादा पॉइंट का लॉस तो होगा नहीं इसमें, 30 रुपए से बाई किया है अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, तो मेरे को इसमें 30 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है, 60 पॉइंट का। तो जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो कितना होगा इसमें, 60 माइनस 30, तो 30 पॉइंट्स का जो है मेरा इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब मेरा इसमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्राइक्स माइनस द प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है। तो 17,650 में से जब मैं 17,750 माइनस कर दूंगा, इसको ऊपर रखना है उससे मतलब नहीं, इसमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है अपने को, ठीक है। डिफरेंस कितना है 100, ठीक है। प्रीमियम रिसीव कितनी हो रही है 30, तो कितना हो रहा है ये ओवरऑल 70, ओके। तो इसमें जो मेरा लॉस है वो 70 पॉइंट्स का लॉस है। जो भी ऑप्शन सेल करता है उसका हमेशा आप जब भी देखेंगे
तो रिस्क रिवॉर्ड में प्रॉफिट हमेशा कम होता है, लॉस हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा हाई रहती है, इसलिए वो कम प्रॉफिट के साथ भी अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आप कॉल को सेल करेंगे, अगर आपको बेयरिश लगता है मार्केट, आप कॉल को सेल करके पैसा बनाना चाहेंगे, तो आपका जो रिस्क है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, रिवॉर्ड हमेशा कम रहेगा, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, 70 पॉइंट्स का। ठीक है, अब 17 × 2 हम लॉट साइज़ कर देंगे तो हमारा टोटल लॉस निकल आएगा। अब इसमें ब्रेक इवन कैसे निकालना है? ठीक है, हमने कहाँ पर सेल किया है, 17650 पर। तो 17650 में जब हम ये कितना प्रीमियम रिसीव हुआ था हमें, 30, इसको ऐड कर देंगे तो 17680, जब तक बाजार 17680 के नीचे रहेगा हमको इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट मिलेगा। 17680 हमारा एक ब्रेक इवन लेवल है, अगर मार्केट 17680 पर बंद होता है तो हमें ना कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा, हमारा जो है वो 0-0 रहेगा पूरा। इसके ऊपर निकलता है हमको लॉस स्टार्ट हो जाएगा, इसके नीचे रहता है हमको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम पे ऑफ एनालिसिस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया है, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर 17550 की जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल किया है 103 रुपीज़ से। ये 106 है, हमने इसको राउंड फिगर में ले लिया है 103। और जो 17750 की कॉल ऑप्शन है यहाँ पर, इसको हमने बाई कर लिया है 33 रुपीज़ से। ओके, तो ये हमने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें हम एटीएम का एक कॉल ऑप्शन है उसको सेल कर रहे हैं और ओटीएम का जो कॉल ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर बाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर हम सब कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमारा स्ट्राइक डिफरेंस कितने का है, 200 पॉइंट्स का है, 550 650। अब यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस और ब्रेक इवन देखते हैं। ये सारी बातें अभी तो प्रैक्टिकली आप करिए, बाद में जैसे ही आप ऑप्शन चेन देखेंगे, ये तुरंत जैसे ही आप दो स्ट्राइक सेलेक्ट किया, आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्स प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैक्स लॉस कितना हो रहा है, ब्रेक इवन कहाँ पर आएगा। विद इन 10 सेकेंड आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए माइंड में ही। ठीक है, तभी आप बेस्ट स्ट्राइक को सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सी स्ट्राइक को मैं सेल करूंगा और कौन सी स्ट्राइक को मैं बाई करूंगा, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आएगा और एक ब्रेक इवन लेवल की, हाँ इस पॉइंट के नीचे तो बाजार रहेगा ही रहेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी आप हाई रख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी तो यहाँ पर हम थियोरेटिकली देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब लाइव मार्केट चलेगा तो ये सारी बातें आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है। ओके, तो मैक्स प्रॉफिट कितना मेरा इसमें, डिफरेंस बिटवीन टू प्रीमियम। ठीक है, मैंने क्या किया है, 103 रुपये से सेल किया है और 33 से बाई किया है। तो अब कैसे होगा इसमें, इसको मैं इससे माइनस कर दूंगा इंटू 50, तो मेरा कितना आ गया, 3500 रुपये का मेरा इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, 70 पॉइंट्स मिलता है मेरे को यहाँ पर और मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3500 रुपये का। मैक्स लॉस कितना है हमारा इस स्ट्रेटजी में, डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्राइक्स माइनस प्रीमियम डिफरेंस और होल में मल्टीप्लाई लॉट साइज का। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस कितना है हमारा, ये दोनों का डिफरेंस है 200, ये दोनों का डिफरेंस है 70, 200 में से जब मैं 70 माइनस करता हूँ तो मेरा वैल्यू आता है 130, इसमें से जब मैं लॉट साइज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 6550, ये मेरा जो है इसमें मैक्सिमम लॉस है। ओके, अब ब्रेक इवन, ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिस स्ट्राइक को हमने सेल किया है उस स्ट्राइक में से प्रीमियम डिफरेंस को माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे सॉरी। तो 17750 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 70 को प्लस कर रहे हैं, तो कितना आ जाता है ये, 17620। तो जब तक मार्केट 17620 के नीचे रहेगा ये स्ट्रेटजी मुझे प्रॉफिट देगी। ओके, अब इसका हम पे ऑफ एनालिसिस करते हैं। हर सेशन में मैं बता रहा हूँ कि पे ऑफ एनालिसिस आपको माइंड में कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में ड्राइंग आ जानी चाहिए कि कहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर लॉस हो रहा है।
ये कैसे आएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजीज को बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पे ऑफ एनालिसिस के चार्ट बनाने हैं, ठीक है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या कर रखा है हमने यहाँ पर, हमने एक कॉल ऑप्शन को सेल किया है, कौन सी स्ट्राइक को, 17,550 की, ठीक है। हमारा व्यू यहाँ पे नेगेटिव है कि बाजार गिरेगा यहाँ से। प्रीमियम 103 रुपये की प्रीमियम से मैंने इसको सेल किया है, ठीक है, और कितने लॉट किए हैं, एक लॉट किए हैं। अब मेरा यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड होता है सेल करता हूँ जब मैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, एक कॉल ऑप्शन को बाई भी किया है, कौन से कॉल ऑप्शन को, 17,750, ठीक है। कितनी प्रीमियम से, 33, कितने लॉट, एक लॉट, ओके। अब सपोज़ करिए मार्केट अपोजिट हो जाता है और जाके क्लोज होता है 17,850 पर, मार्केट ऊपर निकल गया, कहाँ जाके क्लोज हो रहा है, 17,850 पर, ठीक है। जब ये 17,850 पर क्लोज होगा तो मेरी इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब ये कॉल साइड है, ठीक है, ध्यान रखना है, पुट साइड नहीं है, कॉल साइड है, तो कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस जैसे यहाँ पर कितना है, 17,850 पर मार्केट बंद हुआ, 17,850, ठीक है, 17,850 पर बंद हुआ, मैंने कितने की सेल करी थी, 17,550 की, तो कितना हो गया ये, 300 रुपये। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट 17,850 पर बंद होगा तो जो कॉल ऑप्शन जिसको मैंने सेल किया है 17,750 को, उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 300, ठीक है। तो मैंने सेल किया था 103 से, अब उसकी वैल्यू हो गई 103, मतलब मेरे को यहाँ पे ज़ोरदार लॉस होगा। तो जब मैं इसको 300 से माइनस करूँगा 103 को, तो मेरे कितनी वैल्यू आएगी, -197 आएगा और मेरे को लॉस हो रहा है कितना, 197 पॉइंट्स का, ओके। तो ये है मेरा 197 पॉइंट का जो मेरे को इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। पर बट साथ में मैंने क्या किया हुआ है, एक कॉल ऑप्शन को बाई भी कर रखा है, ठीक है, कितने का, 750 का, मार्केट कितने पे है, 17,850 पे, उसमें से माइनस कर दूंगा 17,750, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने 33 रुपये से बाई करी थी, अब उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 100 हो चुकी है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है इसमें, 100 माइनस 33 कर दूंगा तो आ जाएगा कितना, 67 पॉइंट्स का मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 197 में से 67 और घटा देंगे तो हमारा जो ओवरऑल हमारा जो लॉस है वो 6,500 का इसमें हो जाए। अब सपोज करिए मार्केट आपके फेवर में रहता है और वो जाके क्लोज होता है 17,350 पर, ठीक है। तो अब हमको एक चीज़ तो पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर OTM हो जाती है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो जब मार्केट 17,350 पर बंद होगा तो 17,500 और 17,750 दोनों क्या हो जाएंगे, OTM हो जाएंगे, OTM हो जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं तो कैसे ये ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने पे क्लोज हो रहा है मार्केट, 17,350 पर, ठीक है। 17,550 जब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस में आता है वैल्यू 200, तो माइनस में अगर कोई भी चीज़ है तो वो ज़ीरो में रहेगी। तो इसी तरह ये दोनों की जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमने 17,550 को कितने सेल किया था, 103 रुपये से, तो पूरा जो है हमें यहाँ पर 103 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 103 पॉइंट मेरे को यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे, ठीक। और मेरे को लॉस कितने का होगा यहाँ पर, 33 पॉइंट्स का यहाँ पर मेरे को लॉस होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे को कितना पॉइंट मिल गया यहाँ पर, 70 पॉइंट। 70 में जब मैं 50 इंटू कर देता हूँ तो 3,500 जो है मेरा प्रॉफिट निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब सपोज करिए आपने 17,550 पर सेल किया था, ठीक है, और वो 17,550 पर ही बंद हो जाता है, तो 17,550 पर बंद हो जाएगा तो भी क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और ये तो OTM है ही है तो इसकी वैल्यू फिर से ज़ीरो। तो क्या होगा हमको, 17,550 पर हमको 103 रुपये का प्रॉफिट होगा और यहाँ पर हमको 33 पॉइंट्स का लॉस होगा। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 3,500। पे ऑफ एनालिसिस आपको करना आना ही चाहिए, ठीक है, यहाँ वहाँ वेबसाइट में ढूंढने से कुछ नहीं होगा, बना बनाया मिल जाए कहीं से, खुद से कैलकुलेट करना आएगा
तभी आप इन टाइम अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं, फिर किसी और जगह जा रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सब प्रीमियम डाल रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर एंटर कर रहे हैं, फिर वो आपको बता रहा है, फिर आप वो वापस आ रहे हैं अपने इसमें, तब तक बहुत टाइम निकल जाता है। ठीक है, आप जैसे जैसे ऑप्शन चेन का डाटा देख रहे हैं, स्ट्राइक को अपने माइंड में सेलेक्ट कर रहे हैं, वहीं पर आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कहाँ पर ब्रेक इवन है। अगर आपको नहीं आता है वो कैलकुलेट करना, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। समरी, तो कौन सी स्ट्रेटजी हमने देखी यहाँ पर, बियर कॉल स्प्रेड। ये स्ट्रेटजी कौन बनाता है, हमने अभी डिस्कस किया, ये बनाता है एक ऑप्शन सेलर। ठीक है, क्या करते हैं हम इसमें, OTM की जो कॉल ऑप्शन है उसको बाई करते हैं, सेल क्या करते हैं, ATM की कॉल ऑप्शन है इसको हम सेल करते हैं। कई बार लोग प्रोटेक्शन के लिए OTM की भी कॉल को सेल कर देते हैं, वो भी चल जाता है। ठीक है, अंडरलाइंग दोनों की सेम है, मतलब अगर निफ्टी का हम बाई कर रहे हैं तो निफ्टी का ही हमें सेल करना है। एक्सपायरी दोनों की सेम होनी चाहिए, मतलब अगर हमने 17,500 की सॉरी 30 तारीख की अगर एक्सपायरी ली है तो 30 तारीख की एक्सपायरी को ही यहाँ पर भी लेना है, दोनों की सेम एक्सपायरी होनी चाहिए। अलग एक्सपायरी हो जाएगी तो वो कैलेंडर स्प्रेड बन जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, दोनों के लॉट बराबर होने चाहिए, 10 लॉट इसके हैं तो 10 लॉट इसके भी होने चाहिए। व्यू जो है हमारा इसमें बेयरिश होता है। ओके, तो इस सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।